एक बार करने पड़ता हूँ। मेरा जो अभी आज मेरा टॉपिक है उसका है लोगो प्रॉब्लम। उसमें लोगो प्रॉब्लम यह है कि अपने कॉलेज में कई कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कई सब बहुत से कई कष्टी ऐसे कि वो एन में पढ़ते हैं, वो एम एस में पढ़ते हैं, जो उसकी कई स्टार फ्रेंड्स की क्लास होती है और वो कई 45 मिनट की क्लास लेते हैं और वो चल है, वो बोलते हैं मैम ये बस आइए मैंने ये शूट है वो शूट है। इसलिए हमने सोचा है इसके वो कई जैसे कि किसी टाइम में होता है और कई 11 बजे पहुँचता है, कहीं 1 बजे छुट्टी होती है और कई 12:30 बजे जाता है। इसलिए उसके लिए सोच रहे हैं उन्होंने कि हर स्टूडेंट्स को कैसे और जिससे कि जो पेशेंट होता है वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था। इसलिए एक ऐसा ऐप होना चाहिए जिससे कि उस पेशेंट का जो एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके उसमें ना उनके हॉस्पिटल में उनके सिम बनाना चाहिए कि आस पास के एरिया एक्सीडेंट हुआ जिससे कि वो टाइम से एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा कर उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। थैंक यू। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है ना वो कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय में है ना हम उन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहे, इसके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए अलग से। तो सबसे ज़्यादा यूज मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो हम नेचुरली कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज मतलब नेचुरली कैसे करें। तो जैसे हाईवेज या कोई ऐसे बड़ी बड़ी रोड्स होते हैं जहाँ से ज़्यादा वाहन निकलते हैं ना, वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे रोड्स बनाए जाए उनमें जो ब्रेकर्स होते हैं ना उनको ऐसे रोलिंग सिस्टम से ऐसे बनाए जाए जैसे ज्यादा वाहन निकलते हैं ना तो वो रोल हो और वो रोल ऐसा सिस्टम हो नीचे से टेक्निकली है ना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और वो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम स्टोर करके अलग अलग जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। और ये अगर ये वाला आइडिया गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट उसको खरीद देगी मतलब उसको ज़्यादा यूज़ देंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर गवर्नमेंट को देंगे ना वो आइडिया तो हमको मतलब ये बिजनेस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला आइडिया। तो गवर्नमेंट को और नॉर्मली लोगों तक पहुँचाएगी और ज़्यादा यूज देगी तो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की बचत होगी। तो ये आगे
एग्जिट्स और एंट्रीज के साथ में, यानी कि जैसे कि किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में कर दिया, सेकंड ईयर में करके छोड़ दी, तो उसको मतलब कि उसके बाद उसको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बैचलर डिग्री, और इस जो एक ग्रेजुएशन थी इसको 4 ईयर्स की कर दी गई, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ में भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च प्रोग्राम का बनाया गया है, यानी कि उसके साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसके बाद में जो एमएससी है वो आपकी एक ईयर पर मतलब एक साल की ही होगी, और बीएड भी एक साल की होगी। इसी के साथ ही एमफिल है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए मेरू, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो स्टार्ट किए जाएंगे, और डिग्री स्टार्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को इंडिया में, जो कि वर्ल्ड लेवल के यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपना सेटअप खोलने के लिए जो फैसिलिटीज होती है वगैरह वो दी जाएगी। इसके साथ ही जो हायर एजुकेशन है इनमें रिसर्च कल्चर है इसको बढ़ावा देने के लिए भी है ना, यहाँ पर सेटअप्स वगैरह खोले जाएंगे। इसके साथ में बात करें कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंज हुए, तो एनसीईआरटी से कंसर्न करके एनसीईएफटी यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन है जो तैयार 2020 है जो तैयार किया गया है। अब बीएड की डिग्री में भी बदलाव किए गए। इसके साथ ही 4 ईयर बीएड डिग्री आफ्टर 12th, 2 ईयर बीएड डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, और 1 ईयर बीएड डिग्री आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री के बाद में दी जाएगी। All over, the NLP is all about making learning more engaging, flexible, relevant to the real life. Thank you.